हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ब्रिलियंट एकेडमी की विविध क्लास में आपका स्वागत है। आज से आपको डेली करंट के साथ साथ विविध के भी वीडियोस मिलेंगे डेली, और कल से स्टैटिक जीके और जितना पोर्शन पढ़ाया जा चुका है जीएस का, उसके आए हुए क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में हो, आईएएस से लगाकर नीचे चपरासी के एग्ज़ाम तक, उन चैप्टर के भी क्वेश्चन के वीडियो आपके कल से पढ़ने लगेंगे। करंट प्लस विविध प्लस स्टैटिक जीके प्लस आए हुए क्वेश्चन जीएस के जितने भी आज तक चैप्टर पढ़ाए गए हैं, सब कल से वीडियो आने लगेंगे। तो बड़ा विविध क्लास का आपका ये वीडियो है, इसमें हम आपको बड़ा जो नई संसद का निर्माण हो रहा है उसके बारे में बताएंगे। चाहे आप नई संसद की बात कर लीजिए, चाहे राष्ट्रीय महिला आयोग की बात कर लीजिए, राम मंदिर की बात कर लीजिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात कर लीजिए, स्टैचू ऑफ पीस की बात कर लीजिए, इनसे क्वेश्चन भरे पड़े हैं। आप एनटीपीसी का पेपर उठा के देखेंगे, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिनमें इन विभागों से क्वेश्चन ना पूछे गए हों। तो इसी तरह हम एक एक वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में जो हमने बेटा लिया है, वो बेटा जो आपका नया संसद भवन बनाया जा रहा है उसके बारे में और राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। बेटा जो नया संसद भवन बनाया जा रहा है, अगर इसकी आप बात करेंगे तो बेटा जो इसका आकार है वो त्रिभुजाकार है। जो इस संसद का बड़ा निर्माण किया जा रहा है वो इस तरह है, त्रिभुजाकार है। जबकि अगर पुरानी संसद की बेटा अगर बात करेंगे, अगर पुरानी संसद के आकार की बात करेंगे तो उसका आकार बेटा हल्का गोल टाइप में था, उसका जो आकार था वो गोलाकार था। अगर बेटा जो नया संसद है इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे बेटा, तो 64,500 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा क्षेत्रफल और आकार, याद रखना इसको। फिर अगर नेक्स्ट देखेंगे बेटा, तो इस नए संसद की जो आधारशिला रखी गई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई है, और सन 2022 के अंत तक इसके निर्माण हो जाने की संभावना व्यक्त की गई है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। कब रखी गई? 10 दिसंबर 2020 को। निर्माण कब पूरा होगा? सन 2022 तक। अगर अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, जो दो क्वेश्चन आपके नेक्स्ट हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर याद रखेंगे बेटा। इस नए संसद भवन का जो निर्माण का ठेका है वो किसे दिया गया है बेटा? तो नए संसद के जो निर्माण का ठेका है वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को दिया गया है निर्माण का ठेका, ये भी याद रखिएगा। अगर किस परियोजना के तहत ये संसद बनाया जा रहा है, अगर उस परियोजना का नाम पूछेगा तो उस परियोजना का नाम है बेटा सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण परियोजना। सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण परियोजना के तहत इस नई संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगला जो क्वेश्चन बेटा, इस संसद का डिजाइन किसने बनाया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो HCP डिजाइनर, ये अहमदाबाद में है बेटा डिजाइन बनाने वाला कंपनी। तो बेटा HCP डिजाइनर ने, जो अहमदाबाद में पड़ता है, इन्होंने ही इस नई संसद भवन का आकार बनाया, डिजाइन बनाया है। और आकार कैसा बनाया बेटा इसका? त्रिभुजाकार, ये भी याद रखिएगा। अगर बात करेंगे तो नया संसद भवन है कितने मंजिल का होगा बेटा, तो ये 4 मंजिल का होगा। आपका नया संसद भवन 4 मंजिल का होगा, और बेटा जो इसकी लागत आएगी वो 971 करोड़ रुपए है, 971 करोड़ रुपए है। अगर बेटा इस नए संसद की बात करेंगे कि इसमें कितने सदस्य बैठ सकते हैं, अर्थात कितने सदस्यों के बैठने की इसमें क्षमता है बेटा, तो 1,224 सदस्य, 1,224 सदस्य इस नए संसद भवन में बैठ सकते हैं। इनमें से भी अगर आप अलग अलग बात करेंगे तो लोकसभा के कितने सदस्य इसमें बैठ सकते हैं, तो 888 सदस्य लोकसभा के। राज्यसभा के कितने सदस्य बैठ सकते हैं, तो राज्यसभा के 384 सदस्य। अगर बड़ा संसद के गठन की बात करेंगे तो संसद के गठन का जो प्रावधान है हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में बेटा संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। इतने क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये हम कह रहे हैं। इतने क्वेश्चन आप पढ़ के देख लीजिएगा। इसके बाद अगर पुरानी संसद के बारे में 2-4 क्वेश्चन देखना चाहेंगे, हो सकता हो पुरानी संसद के बारे में भी क्वेश्चन पूछ ले, तो बेटा आपको पता होना चाहिए जो पुरानी संसद का आकार है वो कैसा है बेटा, वो गोलाकार आकार है। अगर पुराने संसद की लागत की बात करेंगे कि बनाने में कितना खर्चा आया था, तो मात्र 83 लाख रुपए खर्चा आया था। और वर्तमान जो संसद बन रही है इसकी लागत कितनी है? 971 करोड़ रुपए है लागत।
अगर बेटा पुरानी संसद के वास्तुकार की बात करेंगे कि इसकी डिजाइन किसने बनाया था बेटा, तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर बेटा इन लोगों ने पुरानी संसद का डिजाइन बनाया था। अगर पुराने संसद के उद्घाटन की बात करेंगे तो पुरानी संसद का बड़ा जो उद्घाटन है 1927 में लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। अगर बेटा पुरानी संसद की नींव कब रखी गई थी, पुरानी संसद की नींव कब रखी गई थी इसकी अगर बात करेंगे तो इसकी जो बेटा नींव रखी गई थी वो 1921 में रखी गई थी। और लास्ट क्वेश्चन बेटा जो आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे, ताजमहल का डिजाइन किसने बनाया था, तो इनका नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी। जो इतने बेटा आपके संसद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इतने क्वेश्चन आप जरूर से जरूर याद रखिएगा, जरूर से जरूर। अगर नेक्स्ट बात करेंगे बेटा तो राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में बात करेंगे। बेटा अगर करंट की बात करेंगे आप या विविध की बात करेंगे तो इतना बड़ा पोर्शन है, बच्चों को अक्सर यही कन्फ्यूजन रहता है कि हम कहाँ से पढ़ें जो हमारे क्वेश्चन फंस जाएं। तो हम आपको बताते हैं करंट आपको कैसे पढ़ना है। अगर आप बात करेंगे तो वर्तमान में जो सरकार चल रही है उस सरकार ने जितनी भी परियोजनाएं लॉन्च की हैं वो आप पढ़ लीजिए। पहला तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि सरकार की जो भी परियोजनाएं हैं बेटा, वर्तमान की जो सरकार है बेटा उसकी परियोजनाएं पढ़ लीजिए, सरकार की परियोजनाएं। क्योंकि सरकार अपने प्रचार का माध्यम पेपर भी समझती है, ये हम परियोजनाएं पेपर में देंगे तो हमारे पार्टी का प्रचार होगा। दूसरी बात है जो दूसरा करंट का बेटा आपको पोर्शन करना पढ़ना है वो विज्ञान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप पढ़ लीजिए, 100% आएगा। तीसरा करंट आपको क्या पढ़ना है, तीसरा करंट जो बेटा आपको पढ़ना है वो सेना से रिलेटेड, अगर कोई भी क्वेश्चन है सेना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर है, कोई नया बम बनाया जाता है, कोई नई मिसाइल बनाई जाती है, कोई नया रॉकेट लॉन्च होता है वो आप जरूर पढ़ लीजिए। कोई नई बैठक होती है, दो सेनाओं के बीच में सम्मेलन होता है, दो सेनाओं के बीच में सम्मेलन होता है वो आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद अगर बेटा तीसरी बात पे अगर बात करेंगे, कोई बेटा सम्मेलन हो रहा हो अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा हो या कोई बैठक हो रही हो तो वो आपको पढ़ना है, या कोई नई चीज जो एकदम यूनिक हो बनाई गई हो, जैसे आपका संसद भवन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है, राम मंदिर है, तो ऐसे क्वेश्चन ही पढ़ने, बड़ा फोकस करके पढ़ना है, तब आप करंट के मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि करंट का पोर्शन बहुत बड़ा होता है, पूरे साल का करंट आपको पढ़ना होता है, तो क्या पढ़ेंगे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, इतने टॉपिक आप पढ़िएगा। तो बेटा जो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वो राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में स्टार्ट करते हैं। अगर आप बात करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना है बेटा, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है आपको 31 जनवरी 1992 में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में पड़ता है। स्थापना कहाँ हुई थी बेटा, 31 जनवरी 1992, और मुख्यालय कहाँ है बेटा इसका, नई दिल्ली में पड़ता है। अगर बेटा राष्ट्रीय महिला आयोग के संरचना की बात करेंगे तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है और 5 सदस्य होते हैं। आपके बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा संरचना ये, इनमें से बेटा जो ये 5 सदस्य होते हैं, इन 5 सदस्यों में कम से कम एक सदस्य SC और एक सदस्य ST का अनिवार्य होना चाहिए। इन 5 सदस्यों में एक सदस्य SC का होना चाहिए और एक सदस्य ST का होना चाहिए, अनिवार्य है बेटा। अगर इसके बाद अगर बात करेंगे जो राष्ट्रीय महिला आयोग बेटा, इसका जो कार्यकाल होता है बेटा वो 3 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रीय महिला आयोग का। जो इसके अध्यक्ष नियुक्त होते हैं, जो इसके सदस्य नियुक्त होते हैं, उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और बेटा इसके जो भी कार्यकाल निर्धारण किया जाता है, जो भी अपनी रिपोर्ट सौंपती है, ये बेटा इस पर टोटल केंद्र सरकार का दायित्व रहता है, मतलब पूरी तरह से इनकी देख रेख केंद्र सरकार करती है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा, NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन आपका कि बेटा इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, राष्ट्रीय महिला आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, बेटा जयंती पटनायक। NTPC में बेटा पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पहले अध्यक्ष कौन थे, जयंती पटनायक। सर्वाधिक कार्यकाल किस अध्यक्ष का था, सर्वाधिक कार्यकाल किस अध्यक्ष का था बेटा, नाम है बेटा गिरिजा व्यास। सर्वाधिक समय तक अपने पद पर रहने वाले अध्यक्ष थे गिरिजा व्यास। इसके बाद बेटा अगर बात करेंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए बेटा अधिनियम 1990 बनाया गया है। यह अधिनियम ही महिलाओं के बारे में विशेष प्रावधान के बारे में हमें जानकारी देता है। अगर इसके बाद अगर बात करेंगे बेटा, तो बेटा जो आपका अनुच्छेद बेटा आपका 15(3) है, जो भारतीय संविधान का जो आपका बेटा अनुच्छेद 15(3) है, वो राज्यों को बेटा शक्तियां देता है कि वह महिलाओं के उत्थान हेतु कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है।
एग्जाम्पल के तौर पर बेटा महिलाओं को अगर राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी लान करना है तो उनके लिए सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं। सरकार जो जॉब्स निकलती है, वैकेंसी निकलती है, उसमें भी महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व कर की जाती हैं। क्यों बेटा? क्योंकि महिलाओं के उत्थान का प्रयास हमें करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं आदिकाल से ही जो महिलाओं की स्थिति है वो हर काल में बदलती रही है, और कभी उच्च स्थितियां या उच्च पदों पर बहुत कम ही महिलाओं की नियुक्ति की गई है। इसलिए उनको पुरुषों के समान अधिकार देने के लिए बेटा अनुच्छेद 15(3) में कहा गया है कि राज्य महिलाओं हेतु कुछ विशेष प्रावधान का कर सकता है, कुछ विशेष नियम कानून बना सकता है। यह समानता के अधिकार का हनन नहीं है बेटा, समानता के अधिकार को बनाए रखने के लिए यह प्रावधान किया जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा, तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है बेटा, यह एक सलाहकारी निकाय है। सलाहकारी निकाय का मतलब बेटा क्या है? ये महिलाओं से संबंधित नियम कानून जो अन्य विषय होते हैं उन पे बेटा ये सलाह देता है केंद्र सरकार को। तो यह एक सलाहकारी निकाय है बेटा आपका, सलाहकारी याद रखिएगा। अगर बात करेंगे बेटा इसके अध्यक्ष की बात करेंगे, तो इसके जो सन 2018 से इनके अध्यक्ष हैं बेटा इस समय प्रेजेंट में, उनका नाम है बेटा रेखा शर्मा। ये सन 2019 के टेट का पहला क्वेश्चन था, सन 2019 के टेट का पहला क्वेश्चन था कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है बेटा, तो रेखा शर्मा है। ठीक है, इसके बाद अगर बेटा कुछ और क्वेश्चन देखेंगे महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित, तो बेटा जो आपका राष्ट्रीय महिला दिवस है ये भी बहुत पूछा जाता है। तो बेटा जो आपका राष्ट्रीय महिला दिवस है ये हर वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। सन 2014 से बेटा ये मनाया जा रहा है, 13 फरवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बेटा इसी दिन सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था, 13 फरवरी 1879 को सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। बेटा जो सरोजिनी नायडू हैं इनको बेटा भारत की कोकिला या नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा बेटा सरोजिनी नायडू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमने लिख दिया है। इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को, इन्हें बेटा भारत की कोकिला या नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये देश की पहली महिला राज्यपाल हैं, उत्तर प्रदेश में बेटा बनाई गई थी, ये देश की पहली महिला राज्यपाल हैं। तो बेटा ये महिलाओं के लिए बहुत सम्मान की बात है कि पहली बार इतने उच्च पदों पर महिलाओं को नियुक्त किया गया था। तो देश की पहली महिला राज्यपाल है बेटा ये सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। और अगर बात करेंगे बेटा, तो जो बेटा कांग्रेस के अधिवेशन होते थे तो जो 1925 का कानपुर का अधिवेशन हुआ था वहां पर भी जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी वो भी सरोजिनी नायडू थी। ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी बेटा जो 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में चुनी गई थी। तो इतने क्वेश्चन बेटा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। इसी तरह बेटा अगर पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कई बार बेटा पेपर में ये पूछा गया, अगर 18 का पेपर उठा के देख लीजिए, आरओ का, एसआई का उठा के देख लीजिए, पुलिस का देख लीजिए, हर पेपर में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा ये। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। इसी तरह बेटा अगर आप बालिका दिवस की बात करेंगे, तो जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो आपका हर वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस बेटा हर वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक बेटा, राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगर आप बात करेंगे कि बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि बेटा इसी वर्ष 24 जनवरी 1966 को इसी दिन आपकी जो इंदिरा गांधी थी वो बेटा पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई थी। तो ये भी बेटा महिलाओं बालिकाओं के लिए बहुत गर्व की बात है कि इतना बड़ा पद इतने बड़े देश में, एक लोकतांत्रिक देश में, इनको प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो इन्हीं के उपलक्ष्य में बेटा 24 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, तो लास्ट है बेटा आपका अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये हर वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इतने बेटा क्वेश्चन आपके, जो लास्ट में ये क्वेश्चन बेटा ये याद रखिएगा, ये भी जरूर पूछ लेता है सरोजिनी नायडू के बारे में, याद रखिएगा। और बेटा जो लिखा गया है इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ छांट छांट के लिखे गए हैं। उम्मीद करता हूं कि इतने क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लेंगे। धन्यवाद।